वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? सब खैर खैरियत से होंगे? हम भी ठीक हैं। तो ये आज हमने तैयारी की है इफ्तार पार्टी की। कुछ मेहमानों का रोज़ा खुलवाना था, तो उसके लिए ये सौदे राशन वगैरह लिया है, मुर्गियाँ, गोश्त, कीमा, सारा कुछ, सब्जियाँ, जो भी चीज़ें चाहिए थी वो मंगवाई हैं। कुछ घर में ख़त्म हो गया था सामान, वो भी सारा कुछ तैयारी करने के लिए जो भी चीज़ें थी वो। चाट बनानी थी, फ्रूट चाट, उसके लिए भी सारा फ्रूट मंगवाया है। घर में भी चाहिए होता है, बच्चे भी घर होती है तो ज़्यादा खाना होता है, फिर रोज़े में भी चाट बनती होती है। ये कुछ मसाले मंगवाए हैं, खजूरें थी, ये मैंगो भी ट्राई किए हैं अभी लेकिन खट्टे थे। तो ये किचन में सारा कुछ ला के ज़मीन पे रख दिया। मैं और बच्चे हैं सारे, मेरी जेठानी हैं, वो सारे कुछ अब समेट रहे हैं। जो किचन में चाहिए वो रख लिया है, बाकी अलमारी जिधर भी रखना था। केक रस भी मंगवाए हैं, बच्चे स्कूल जाने से पहले चाय के साथ खा के जाते हैं या दूध के साथ खाते हैं। ये कुछ मसाले वगैरह, बाकी किचन भी थोड़ा थोड़ा मैंने कहा दिखा दूँ ना आपको। ये हैं खजूरें, दो तरह की, एक थोड़ी सख्त सख्त ली है और एक थोड़ी नरम है। वो नान के पैकेट भी मंगवाए हैं, कुछ रोटियां बनाएंगे, कुछ नान है। ये भी खजूर दोनों बहुत अच्छी हैं। ये इंडिया स्टोर है इधर, उधर से हम सामान लेते हैं सारा, साथ ही उधर है सब्जियों का स्टोर है प्रोड्यूस, उधर से ये कोकोनट का जूस है, बहुत अच्छा होता है। वो चने मंगवाए, उबाल के रख दूँगी उनको, तो चाट वगैरह या किसी भी चीज़ के लिए सालन बनाना हो ईद पे। ये कैरेट है का अचार है, बहुत अच्छा है, इंडिया का है, बड़ा अच्छा है। और ये चने भी रख देंगे ईद पे, पता है चने बनाएंगे हलवा पूड़ी साथ, उसके लिए काम आएंगे। ये लहसुन चीला वाले एक लिया था, बाकरहनियाँ मंगवाई हैं, बाकी कीमा, गोश्त, मुर्गियाँ, हर चीज़। तो फिर ये सब सारा फ्रूट इसमें रख देंगे, जो चाहिए नीचे चाट बनाने के लिए वो अलहदा कर दिए। दो तीन हिस्सों में मैं दिखाऊंगी आपको कि पार्ट वन में ये अभी राशन आया है, इमली की तैयारियाँ, चटनी बनाई है इमली की, आलू बुखारे की, ये सारा कुछ सब्जियाँ, टमाटर शमाटर, बैंगन आ गए हैं बड़े, कुछ का भरता बना लूँगी, कुछ वैसे पकोड़े बना लेंगे उसके। अदरक भी आ गया ढेरों ढेर, कुछ ग्राइंड करके रख देंगे, कुछ कच्चा रख लेंगे, सब्ज़ चने। गोभियाँ आज मैंने दो गोभियाँ आई थी वो भी पका दी हैं। तो ये देखें अभी आएंगे मसाले, ये शान, तूबा, ये फलूदा बनाना है जब मेहमानों की इफ्तारी कराना, उस वक्त निहारी बनाएंगे। ये देखें साग, जैलियाँ, कस्टर्ड भी बनाना है तो ये, इसलिए ये साग आ गया था, गंदलों का साग, बहुत अच्छा था, सरसों का साग उसको कहते हैं और पंजाबी में गंदलों का साग, वो बहुत अच्छा था फ्रेश। तो फिर मैंने उसी वक्त इसको काट लिया है, तो साथ थोड़ी पालक डाल के इसको पकाने के भी रख दूँगी। तो अगले दिन फिर तैयार करके ये भी साथ रखेंगे। ये इमली है, इसको थोड़ी देर, आधा को घंटा पानी में डाल के रखा है, गर्म पानी में, कि ज़रा वो उसके अंदर से जो गुठलियाँ हैं वो निकल जाएँ आराम से। ये हाथ धो के अच्छी तरह मैंने फिर इसको सारा उसका साफ किया है, गुठलियाँ वगैरह जो भी इसके अंदर थी चीज़ें, तो ये सारा फिर इसको पकने के लिए रख दूँगी सारे निकाल के। ये बड़ा मुश्किल काम था, मैंने कहा इससे अच्छा बंदा बनी बनाई ले आए, लेकिन हम फिर ज़्यादा बना लेते हैं ना सारा, फिर रमज़ान में चल जाती है, बहुत अच्छा जायका होता है इसका। आलू बुखारे की और इमली की लैदा लैदा दोनों बनाई थी। ये आलू ये मुझे लगता है गुड़ डाला है फिर मैंने इसके अंदर, गुड़, चीनी भी, चीनी तो नहीं इतनी डाली, गुड़ में हम बनाते हैं
गुड़ भी बड़ा अच्छा इधर का होता है ना, देखे वाइट वाइट गुड़ है। कई लोग तो गुड़ का शीरा बना के डाल लेते हैं, मैंने ऐसे ही डाल दिया। पहले ही मैं थक गई थी उसकी गुठलियाँ निकाल निकाल के, तो फिर मैंने कहा चलो अब गुड़ का शीरा बनाऊँ, तो इसी तरह बीच में डाल दिया। बहुत खटी इमली थी, बहुत ही ज़्यादा गुड़ डालना पड़ा है, तो फिर कहीं जाके फिर थोड़ी चीनी भी डालनी पड़ी थी, तो फिर कहीं जाके हो गए। ये साथ मेरी जेठानी जी हैं, उन्होंने वो आलू बुखारे की चटनी वो ही बनाती हैं, तो वो उन्होंने मेरे से पहले वो रख दी हुई थी, तो साथ इसके अंदर रूह अफ़ज़ा, नमक मिर्च जो भी उन्होंने डाला है, ये बादाम डाले हैं तो ये भी पक रही है, चीनी डाली है इसके अंदर, तो जो सारा कुछ रखा है। अगले दिन खाना बनाना था, तो फिर पता इतना टाइम नहीं होता ये चटनियाँ वगैरह और सामान वगैरह संभालने के लिए, तो एक दिन पहले हमने काम कर लिया है। नमक डाला है, अभी एक ही चम्मच डाला है क्योंकि इसने पक के थोड़ा होर थोड़ा रह जाना है। हल्की सी मिर्च डाली है, काली मिर्च भी डालूंगी, वो चम्मच की आपको गंदी नज़र आ रही होगी तो कोई बात नहीं, फिर पता है जब सारे इकट्ठे रह रहे हो तो कोई गंदी कर देता है, कोई साफ़ रहने देता है, तो मैंने भी गौर नहीं किया। वो तो अब जब मैं वीडियो देख रही हूँ तो फिर मुझे पता चला। ये साथ मैंने दही रख लिया है, वो उसको ना अच्छी तरह बॉयल आ गया था तो दही जमाने के लिए मैंने रखा है। अभी आता है इसका ना, ये तो गर्म हो गया था, मैंने कहा तीनों चूल्हे जल जाएँ और तीनों काम साथ ही हो जाएँ। ये आलू बुखारा फूल गया है, आप इसको तेज़ आंच करके तो वो ड्राई थोड़ा कर लेंगी जितना हमें चाहिए उतना। ये देखें जी इतना हो गया, ये बहुत मज़ेदार थी, अभी भी है ये देखें। साथ ही फिर थोड़ा ठंडा हुआ तो मैंने इसको ये डाल लिया बोतलों में, शीशे के जार रखे हुए हमने तो उसके अंदर डाल लिया है, तो फिर फ्रिज में रख देंगे। पकौड़े समोसे जिसके साथ भी हम तो हाली भी खा लेते हैं चम्मच के साथ ही, बड़ा मज़ा आता है। तो ये इमली की चटनी मीठी नहीं थी हो रही, तो फिर इसके अंदर भी हमने थोड़ा रूह अफ़ज़ा डाला है, देखे गुड़ अभी भी और डाला है हमने। तो ये जी आ गया, दही बना रही हूँ मैं क्योंकि दही भले बना रहे थे तो लस्सी भी बनती है सहरी के टाइम, तो मैंने बड़ी देश की बना ली है दही की। ये दूध डाला है, क्रीम डाली है, तो ये अच्छी तरह उबाल आ जाएगा इसको, तो फिर रख दें ठंडा होने के लिए, नॉर्मल सा हो जाए, कोसा कोसा नहीं कहते, थोड़ा थोड़ा गरम गरम उसको फिर जाग लगाएंगे तो शानदार सा दही बन जाएगा घर में। देश की ये मैं ले गई हूँ पाकिस्तान से, तो फिर इसके साथ ही इजाज़त दे दें। ये देखें जी दही, अगले दिन मैं ये देखें जी दही तैयार हो गया, मैंने ओवन में इसको रख दिया था, गर्म भी नहीं था किया, बस वैसे ही रख दिया था, तो 5-6 घंटों में ये तैयार हो गया था। तो आप मुझे इजाज़त दे दें, फिर पार्ट 2 के साथ मिलते हैं आपको जल्दी। खुदा हाफिज़।